हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में। दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 10th यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट इंग्लिश। दैट्स चैप्टर नेम इज़ लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव। सो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर की आपको हिंदी मीनिंग बताएंगे और साथ ही साथ आप अपने पेन और कॉपी निकाल लीजिए और इन बातों को जो मैं वर्ड मीनिंग ग्लोसरी यहाँ पर बताऊँगा उसे लिखते चलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इन माई हाउस दाइन आउन हैंड्स। यहाँ पर हाउस का मतलब कोई घर से नहीं है, यहाँ पर हाउस का मतलब है ईश्वर, यानी हाउस का मतलब है हृदय से। तो इन माई हाउस विद दाइन हैंड, रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं, हे ईश्वर, तुम मेरे हृदय में अपने हाथों से लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, अपने प्रेम का दीपक चलाओ। सो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प इंट्रेंसिंग, यह वंड्रस आर इट्स रेस। यह जो आपका स्वरूप बदल देने वाला दीपक है, वंड्रस आर इट्स रेस, इसके किरणें चमत्कारिक है। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट लॉर्ड, हे प्रभु, तू मेरे अज्ञानता को, अज्ञानता अंधेरे को, चेंज माई डार्कनेस, हे प्रभु, तू मेरे अज्ञानता के अंधेरे को, एंड माई इविल इंटू गॉड, इविल इंटू गुड, और उसे, उस बुराई को अच्छाई में बदल दो, यानी मेरे दोषों को गुणों में बदल दो। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज, तुम मुझे एक बार टच करो, मैं बदलूँगा। यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, मैं बदलूँगा। ऑल माई क्ले इंटू दाई गोल्ड, और यह जो मिट्टी का शरीर है यह सोने में बदल जाएगा। ऑल द सेंस लैम्प दैट आई डिड लाइट, और यह जो मैंने सभी, सेंस लैम्प का मतलब यहाँ पंच इंद्रियों से है, ऑल द सेंस लैम्प, और यहाँ पर जो सभी मैंने पंच इंद्रियाँ जला रखी हैं, शूटेड इंटू बरीक, वो चिंताओं से काली पड़ गई हैं। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल लाइट द रिशरेक्टिंग लैम्प। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, आप मेरे आत्मा के द्वार पर बैठो, लाइट द रिशरेक्टिंग लैम्प, और उन्हें पुनः दोबारा से पुनर्जीवित करो। दोस्तों, इस पोएट या इस चैप्टर के पोएट है रविन्द्रनाथ टैगोर। अबाउट द पोएम, इट इज़ ए सिंपल प्रेयर बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई एक साधारण कविता है। ही प्रेस टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट, उनके हृदय में टू लाइट द लैम्प, प्रेम का दीपक जलाएं, टू रिमूव द डार्कनेस टू इग्नोरेंस, अज्ञानता को मिटाते हुए ज्ञान का प्रकाश जलाएं। द वंडरफुल रेस, जो किरणें हैं वो चमत्कारिक हैं, ऑफ द लैम्प वुड ट्रांसफॉर्म इविल इंटू गुड, जो चमत्कारिक किरणें हैं उनकी वह बुराइयों से अच्छाइयों में प्रतीत होंगी। क्ले इंटू गोल्ड, और क्ले इंटू गोल्ड, और जो वो चिंताएं काली पड़ी हुई है वो सोने में बदलेंगे। एंड वुड फ्री हिम, और वुड फ्री हिम ऑल द वरीज, और वह सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। ऑफ हिज लाइफ, जो उनके लाइफ में है, दैट हैव बीन प्लॉगिंग हिम, जो उन्हें पीड़ा दे रही है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे वर्ड मीनिंग की। पहली मीनिंग आप लिखते चलिएगा, आउन। आउन यानी होता है खुद का, अपना आत्म। इसके बाद दोस्तों अगली मीनिंग हम देखते हैं, ट्रांसम्यूटिंग। ट्रांसम्यूटिंग यानी होता है स्वरूप बदल देना, ठीक है, आकार परिवर्तित कर देना। अगली मीनिंग है एंट्रेंसिंग। एंट्रेंसिंग यानी होता है सम्मोहक या मनोहर। वंड्रस, अगली मीनिंग है वंड्रस। वंड्रस यानी चमत्कारिक। यहाँ पर एक रूल लिखिएगा, हर वो वर्ड जिसके लास्ट में ओ यू एस जुड़ जाए वह इंग्लिश में एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट, डार्कनेस। डार्कनेस मीन्स होता है अंधेरा या अज्ञानता। दोस्तों, यहाँ पर भी एक रूल लिखिएगा, हर वो वर्ड जिसके लास्ट में एन ई डबल एस जुड़ जाए वह नाउन कहलाता है। एग्जामिनेशन में 2016 में एक क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज़ द नाउन फॉर्म ऑफ डार्क। तो सिंपल सी बात है, हर वो वर्ड जिसके लास्ट में एन ई डबल एस जुड़ता है नाउन बनता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डार्कनेस। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप लिखिएगा इविल। इविल यानी होता है बुराई। इसके बाद नेक्स्ट मीनिंग आपको लिखिएगा क्ले। क्ले यानी होता है मिट्टी या कीचड़। नेक्स्ट, सेंस लैम्प। सेंस लैम्प यानी यहाँ पंच इंद्रियों से है, और सेंस मतलब समझ भी होता है। नेक्स्ट,
सूटेड, सूटेड यानी काली काली पड़ जाना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है सिटिंग एट द डोर, डोर इंग्लिश के अंदर एट द डोर एक एडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, फिक्स एक्सप्रेशन है जो इंग्लिश के अंदर फिक्स होता है, एट द डोर, एट द एयरपोर्ट, एट द रेलवे स्टेशन, इस तरह के वर्ड। रिशरेक्टिंग, रिशरेक्टिंग में दोबारा शुरू करना, पुनर्जीवित करना। दोस्तों इस तरह से इस चैप्टर की सारी वर्ड मीनिंग कंप्लीट होती है। अब मैं दोस्तों नेक्स्ट आपसे डिस्कस करूँगा अबाउट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग, आपको ये जो वर्ड हैं इनको इनके मीनिंग के आधार पर मैच करना है यानी मिलाना है। डिसाइपल, डिसाइपल यानी होता है शिष्य या नई। दोस्तों बहुत से लोग इसे डिस्केपल पढ़ते हैं, डिस्केपल नहीं, यहाँ पर आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें, डिसाइपल, डिसाइपल इज़ अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सो डिसाइपल का यहाँ पर हो जाएगा ए पर्सन हु बिलीव्स इन एंड फॉलो टीचिंग ऑफ अ रिलीजियस पर्सन। नेक्स्ट सोल, सोल मीन्स आत्मा, स्पिरिट मीन्स भी आत्मा, तो सिंपल सा है, स्पिरिट ऑफ अ पर्सन। वरीज, वरीज यानी होता है चिंताएँ, टेंशंस। नेक्स्ट और इसका हो जाएगा वरीज यानी टेंशंस। वंड्रस, वंड्रस यानी चमत्कारिक, और इसका चमत्कारिक का हो जाएगा फैसिनेटिंग यानी मनोहर। इविल, इविल यानी बुराई, और इसका जो लास्ट ऑप्शन बचा है बिगट बिहेवियर। नेक्स्ट गिव द एंटोनम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, अब हम इन वर्डों के एंटोनम्स की बात करेंगे यानी अपोजिट की बात करेंगे। लाइट, लाइट का अपोजिट हो जाएगा डार्क। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का अपोजिट हो जाएगा इंटरनल। सीनियर, सीनियर का अपोजिट हो जाएगा जूनियर, और इविल का अपोजिट हो जाएगा गुड। नेक्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन वन और टू सेंटेंस, व्हाट डू यू मीन बाय इन माय हाउस इन द पोयम। यहाँ पर कवि ये कह रहा है यहाँ पर इन माय हाउस इन द पोयम, यहाँ पर अपने घर से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर लिखिएगा व्हाई इन माय हाउस हियर मीन्स द बॉडी ऑफ द पोएट वेयर हिज सोल रिसाइटेड, जहाँ पर उसकी आत्मा निवास करती है। नेक्स्ट व्हाट डज द स्पीकर वॉन्ट द लॉट टू डू एट फर्स्ट, ठीक है, द स्पीकर, तो इसका आंसर लिखिएगा द स्पीकर वॉन्ट्स, वॉन्ट्स लगाइएगा, द स्पीकर वॉन्ट्स अ लॉट टू डू एट फर्स्ट लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, वह सबसे पहले लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, वह सबसे पहले प्रेम का दीपक जलाना चाहता है। व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम, इसका आंसर लिखिएगा द लैम्प इज ट्रांसम्यूटिंग चेंजिंग समथिंग ऑर्डिनरी इंटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सिंपल है। वाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम, यहाँ पर अंधेरे का मतलब कविता में किससे है, तो लिखेगा डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम, सिंपल। वाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम, यहाँ पर प्रकाश का मतलब किससे है, तो लिखेगा लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज इन द पोएम। वाट आर द सेंस कंपेयर टू, तो इसका आंसर लिखेगा द सेंस आर कंपेयर टू लैम्प्स द पोर्ट लाइटेड, सिंपल। दोस्तों अब मैं यहाँ पर अगले अगले चैप्टर का डिस्कशन अगली क्लास में करूँगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।